हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर 2024-25 क्वेश्चन नंबर 32 बी पार्ट। ठीक है, 32 के आपके पास दो पार्ट हैं, एक हम कर चुके हैं, सेकंड वन है ये। तो देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द इनिशियल स्पीड। आपको ये बोला गया है, एक ट्रेन जो है 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है एवरेज स्पीड पे। ठीक है, अगेन वही ट्रेन 140 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द इनिशियल स्पीड। मतलब जो उसकी इनिशियल स्पीड थी उसमें 4 किलोमीटर पर आवर, अब वो 4 किलोमीटर पर आवर जो डिस्टेंस के हिसाब से है 4 किलोमीटर पर आवर जो है वो मोर कवर कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इफ़ इट टेक्स 4 आवर्स टू कंप्लीट द होल जर्नी, अगर दोनों डिस्टेंस जो है वो एक तो एवरेज स्पीड पे कवर हो रहा है, दूसरा 4 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड में ज़्यादा मोर ज़्यादा हो रहा है, तो दोनों डिस्टेंस जो कवर हो रहे हैं वो कितने आवर्स में हो रहे हैं, 4 आवर्स में। इफ़ का मतलब गिवन है ये। ठीक है, 4 आवर्स में कवर हो रहे हैं, तो व्हाट वाज द इनिशियल एवरेज स्पीड, इनिशियल एवरेज स्पीड क्या रही होगी, डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस सेपरेटली। तो आपको सेपरेटली डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो भी बताना है। सबसे पहले आपने लेट करना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो वो हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब बेटा हमारे पास जो है टाइम दिया गया है, तो हमें डिस्टेंस और स्पीड से टाइम बनाना है। तो आपको पता ही है टाइम क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, t आ जाएगा ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड फर्स्ट जो है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए आप। फर्स्ट हमारा डिस्टेंस जो कितना था 132, तो स्पीड क्या थी उसमें, एवरेज स्पीड ये आ जाएगी। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस आया आपके पास 140, बट उसने इनिशियल स्पीड में कितना उसमें इंक्रीज किया, 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द इनिशियल स्पीड, तो x प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम दिया है इफ़ इट टेक्स 4 मोर आवर्स, तो सॉरी 4 आवर्स टू कंप्लीट द होल जर्नी। तो ये दोनों जर्नी का टाइम जो है वो कितना लगा इसका, 4 आवर्स। बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो अगेन आपका क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 132 एक्स प्लस 4 प्लस ये 140 और एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से रब कर रही हूँ अभी। चलिए, अब नीचे एलसीएम आ जाएगा यही वाला, आपस में मल्टीप्लाई, क्लियर है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 132 एक्स प्लस 4 2 8 4 3 12 4 1 4 ये आ गया प्लस 140 एक्स इज इक्वल टू, ये नंबर अब इधर जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स एक्स मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, एक्स स्क्वायर 4x² प्लस 4x ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें, ये वाले टर्म हम इस साइड लेके आएंगे, बट यहाँ पे इसका मल्टीपल कर लेते हैं, 4x² प्लस 4 4 16x। ठीक है, ये नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x² पॉजिटिव चाहिए होता है, तो इसलिए ये वाली सारी टर्म इस साइड लेके जाएंगे, तो लिखेंगे इसी साइड आप 4x² प्लस 16x माइनस 132x माइनस 528 माइनस 140x इज इक्वल टू 0, ये आपके पास टर्म आ गई। ठीक है, अब आपके पास आ गया 4x², अब ये 16 है और यहाँ पे 32, तो यहाँ से अगर हम माइनस करें 116 आ रहा है। ठीक है, माइनस का, तो ये माइनस 140x, तो इसको अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास आ रहा है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन, तो ये बन गया आपके पास 6 और ये आ गया आपके पास 5 और ये 2, कितना आया ये 2, तो ये x आ गया। ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूँ यहाँ से। नेक्स्ट आपका नंबर है माइनस 528,
इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब ये होल टर्म जो है आपकी फोर से डिवाइड हो रही है, किससे हो रही है, फोर से, तो डिवाइड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर आएगा, फोर सिक्स ज़ा 24, वन और सिक्स बचा, फोर फोर ज़ा 16, ये आ गया, ठीक है। अब माइनस इसको फोर से डिवाइड करेंगे, फोर वन ज़ा 4, फोर थ्री ज़ा 12 एंड फोर टू ज़ा 8, ये आ गया, ठीक है। क्लियर है बेटा, चलिए अब ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, 132 के फैक्टर ले लेंगे, तो इस साइड ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए 132 को 2 से किया, 6 टू ज़ा 6, 2 से किया 33 एंड 3 से किया 11, ठीक है। 11 थ्री ज़ा 33, 33 टू ज़ा 66, 66 में से 2 माइनस करेंगे 64 आ गया, ठीक है। तो बट हमें माइनस का 64 चाहिए, माइनस बड़े के साथ इसके साथ प्लस, तो माइनस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 60, क्या है आपके पास, 66 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 132, ठीक है। तो यहाँ से बेटा एक्स कॉमन आ गया, फिर आएगा आपके पास एक्स माइनस 66 प्लस 2 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 66 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स प्लस 2 आ गया आपके पास, एक्स माइनस 66 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे आप इनको दोनों को, एक्स इज इक्वल टू 66। माइनस वाली टर्म रिजेक्ट, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपके पास एक्स स्पीड आ गई 66, ठीक है। तो आपको निकालना है टाइम, कि दोनों का टाइम जो है कितना कितना लगा। यहाँ पे लिखा डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस सेपरेटली, तो यहाँ पे मैं सारा रब कर रही हूँ, ठीक है। ये आ गया आपके पास, तो यहाँ पे है 132 अपॉन में 66, कटिंग की 2 आ गया। अगेन यहाँ पे हमारे पास है 140 अपॉन में, यह है 66 और 4 70, तो ये भी कटिंग की 2, तो आ गया आपके पास 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो आपके पास कितना है सेपरेटली, दोनों टाइम आपके पास 2-2 आर ही लगे थे कंप्लीट, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।